हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 8:30 बजे से। घर के काम हो गए थे, झाड़ू पोछा हो गए थे, अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया। जैसे ही नहाने धोने के लिए जा रहे थे तब तक हमारे घर में बधाई लेने के लिए, विहान की बधाई जो बच्चे होने के बाद आते लेने के लिए, तो बाहर आए हुए हैं। तो चलो चलते हैं उनके सामने ध्यान को लेके। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो चलो चलते हैं। बधाई लेने के लिए आज मॉर्निंग में, और हमारे पड़ोसी भी आ गए। तो मैं अब खिलाने लगी हूँ विहान को दलिया, है ना दीन, दलिया खाओ। वाओ वाओ, उसकी चांदी की चम्मच में और कटोरी में, है ना विहान, आप इसी में खाते हो ना खाना। लो हेलो करते बोलो, सबको बोलो दलिया खा लो, बोलो दलिया खा लो, आप लोग भी दलिया खा लो, बोलो वाओ वाओ, ताली बजा दो ताली, बोलो आप भी खा लो, आप भी खा लो, खा लो खा लो, बोलो खा लो मेरे साथ, बोलो दलिया। हेलो करते हेलो बोलो, मैं सो के उठ गया हूँ अभी, और मेरी मम्मी मुझे दलिया खिला रही है। मम्मी दादी कुकी। हेलो कर दो सबको, हेलो
पापा 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 बोले मैं दलिया खा रहा हूँ। पापा 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 दलिया खा रहा हूँ, मेरी मुझे बन गई रेहान। चल मेले गोले, ओ गोला गिर गया, गिर गया गोला। ओ ओ ओ ओ ओ नाउ विहान विहान होता है बच्चों को स्टार्टिंग में, कितने जल्दी मैं भाग सकूं, है ना। आ आओ, ये क्या एरोप्लेन उड़ा रहे हो आप, हैं? तो फ्रेंड्स शाम के हो गए 6, तो मैं ब्लॉग की स्टार्ट फिर से कर रही हूँ। और दिन में हम लोग सो जाते हैं, नींद आ जाती है। वैसे तो विहान जब तक विहान नहीं सोते तब तक नींद नहीं आती, जब विहान सो जाता है उसके बाद हम सो लेते हैं। और आजकल इसका ज़रा टाइमिंग थोड़ा सा ऐसे चल रहा है क्योंकि आजकल ये दिन में नहीं सो रहा है, ये नहीं सोता तब तक हम लोग नहीं सोता। और आज मेरे लिए आज पार्सल आया था तो हम लोग सो रखे थे, हमें पता भी नहीं था। और पार्सल वाला बाहर ही पार्सल छोड़ गया वो, तो इन्होंने फ़ोन किया तो तब जाके पार्सल रिसीव हुए बाहर से। तो आज मेरे को सरप्राइज़ मिल गया, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, मज़ा। मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी पार्सल आ जाएगा, मैंने सिर्फ बोला था, बस बोलने की देर है और पार्सल घर में। चलो मैं दिखाती हूँ आज मेरे लिए इन्होंने क्या ऑर्डर करवाया है। ये एक कुर्ती ऑर्डर करवाई है, ये कुर्ती ऑर्डर कराई थी मैंने, इसका ये पार्सल जो आया था उसकी अनबॉक्सिंग कर ली थी क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो मैंने देखा तो ये नहीं थी। ये इन्होंने कुर्ती ऑर्डर करवाई क्योंकि ये कुर्ती मुझे पसंद थी आई, तो मैंने इनसे बोला कि ये मुझे अच्छी लग रही, तो ये ऑर्डर मैंने मिंत्रा से कराई क्योंकि सेल से, तो ये मैंने। और इसका टैग वगैरह मैंने तोड़ दिए, ये कुर्ती आप कमेंट करके बताना कि इस कुर्ती का प्राइस कितना होगा, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इस कुर्ती का क्या प्राइस, सेल लगने के बाद इसका क्या प्राइस मुझे, मैंने किस रेट में रिसीव किया। और इन जूतों की भी मैंने अनबॉक्सिंग कर दी थी क्योंकि मुझे जूतों के बारे में पता नहीं था कि इन्होंने जूते ऑर्डर कराए मेरे लिए, और ये जूते ऑर्डर करवाए हैं। तो कमेंट करके बताना कि ये जूते कैसे लग रहे हैं और किस प्राइस में हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस प्राइस इसकी क्या रेट है। और इन जूतों की क्वालिटी है, ये इस टाइम यहाँ पर वाइट दिख रहे हैं, अगर मैं इन्हें बाहर सूरज की रोशनी में लेके जाऊंगी तो इसकी ये जो लाइनिंग है वो हल्की ब्लू, लाइट ब्लू, और ये वाला एरिया पिंक कलर हो जाता है ना, मज़ेदार, अंदर वाइट और बाहर लाइट लाइट वाले शूज, मतलब सूरज की रोशनी पड़ने पर इन पर चमक आ जाती है, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे, तो ये मैं इधर उधर जाने के लिए इस्तेमाल करूँगी, जब मैं इधर उधर जाऊँगी तो तभी। मिंत्रा में आजकल ऑफर चल रहे थे तो उसमें भी ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, कुछ भी ब्रांडेड ही चीज़ मिलती है, लिबास की है ये, और जूते भी मेरे एशियन के बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए, और कुर्ती भी बहुत पसंद आई, तो थैंक्स डियर ये प्यारा गिफ्ट देने के लिए, मुझे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और विहाना आज प्रैक्टिस कर रहा, प्रैक्टिस बेटा लग जाएगी सिर सिर, ये देखो आज इसको बहुत जुनून चढ़ रखा है बेटा, सर लग जाएगी एक बार तो, अभी यहाँ पे नाक में लग गया दिन में। मेरा बेटा ऐसा है कि अगर उसकी तरफ देख दो अगर बाई चांस लग जाए तो एकदम रोने लग जाता है, अक्सर ऐसे ही होता है सारे बच्चों के साथ कि अगर उनके ज़रा से लग जाए उनकी तरफ देख दो तो रोने लग जाएंगे, अगर आगे पीछे रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप भी कमेंट्स करके बताना कि आपके बच्चे ऐसे हैं कि नहीं है। और विहान बेटा
चलो तैयार हो जाए, बाहर भी आपने बाहर पे घूमना है ना। चलो बेटा रिहान बेबी। तो फ्रेंड्स मैं इसको ना तैयार कर देती हूँ बाहर के लिए। अब ऐसे वैसे अब कोई डर नहीं है, पहले हम लोग डर रहे थे कि बधाई मांगने वाले आएंगे तो, क्योंकि ये लोग जिद करते हैं ना, ज़्यादा डिमांड करते हैं पैसों की, तो इस वजह से थोड़ा डरना पड़ता था। तो ऐसा होता है कि आप अपने दिल से जितना भी दे दो, प्यार से पकड़ लो, पर ये लोग ज़्यादा ज़िद्द करते किसी चीज़ की, तो फिर इस वजह से थोड़ा डर लगता था। पर अब तो यहाँ पे से अच्छे से खुशी से चले गए हैं, तो अब बिहान कहीं भी घूम सकता है। वैसे तो हम घुमा ही रहे थे, बट ऐसा होता ना कि थोड़ा बहुत ऐसे मतलब समझना चाहिए किसी को, कि हर किसी के घर की अलग अलग सिचुएशन होती है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। तो जितना आप कोई दे प्यार से, अपनी श्रद्धा से, खुशी से, तो उसे प्यार से रिसीव करना चाहिए। तो बस थोड़ा ऐसे मतलब ऐसे में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि यार इतना हर किसी का बजट नहीं होता, और हम लोगों का भी इतना बजट नहीं है कि हम 21,000-50,000 ऐसा दे सके। तो आज फाइनली हमने अपनी खुशी से जितना दिया उन्होंने रिसीव कर लिया, तो हमें भी अच्छा लगा और उनको भी यहाँ से खुश हो के गए। तो हम लोगों ने उनको 2 साड़ी 1 सूट दिया और पैसे दिए, 8 चावल दिया, वो खुश हो के गए। और आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, उन्होंने खूब बधाई दी मेरे बेटे को, मुझे अच्छा लगा। तो चलो फ्रेंड्स मैं ना इसको तैयार कर देती हूँ, फिर उसके बाद ये बाहर थोड़ी देर बाहर घूमेगा, और थोड़ा पंखे को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि वो 24 घंटे चलते रहते हैं, तो मशीन को भी थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। तो मैं इसको तैयार कर देती हूँ और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। हम चले घूमी करने, ठीक है।